आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है अद्भुत है। यीशु मसीह धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। आज हम उस इच्छा को जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने संबंध में हम रोज अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं परमेश्वर के सामने कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया, परमेश्वर ने क्यों हमें पापों श्रापों से मुक्त किया, परमेश्वर ने हमें हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। तो परमेश्वर क्या चाहता है, क्यों कलीसिया का निर्माण हुआ, क्यों कलीसिया बनी, क्यों पवित्र आत्मा कलीसिया में है, क्यों कलीसिया को यीशु मसीह की देह कहा गया है, क्यों हम उसके अंग हैं, क्यों, हर चीज का कारण है। इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसके लिए छह बातें हैं, अगर आप चाहें तो बाइबल में आप अपना लिख सकते हैं। उसके लिए छह बातें हैं जो हमसे वो चाहता है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में क्या है और हम कैसे पूरी कर सकते हैं, उसके लिए छह बातें हैं। कितनी बातें हैं, जोर से बोलिए, छह बातें हैं जो वो हमसे चाहता है। जब हम उन छह बातों को हम करेंगे तो हम परमेश्वर की स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा को पूरी करेंगे। और जब हम उस सिद्ध इच्छा को पूरा कर देंगे, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप उस जीवन का आनंद लेंगे, आप उस सर्वलौकिक परमेश्वर का आनंद लेंगे। जब आप उस इच्छा को समझ लेंगे और उस इच्छा को पूरा करने में अपने आप को लगन से लगा देंगे। हेलो, आप समझ रहे हैं, वो इच्छा बहुत जरूरी है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये छह इच्छाएं, छह बातें क्या हैं जो हमें परमेश्वर के लिए करनी है, छह बातें क्या हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए हम रोमन का 12:1 पढ़ेंगे। पहले बात रोमियो 12:1 पढ़ेंगे, उसमें से हम निकालेंगे उसकी सिद्ध इच्छा क्या, उसके बाद हम आगे जाएंगे। हालेलुया। रोमन्स की पत्री 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। थोड़ा सा आवाज, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात क्या है कि अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हमें परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान, यानी कि जैसा परमेश्वर को चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जैसा परमेश्वर को चाहिए हमें वैसा बलिदान चढ़ाना है। पुराने नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो पुराने नियम में जो एक मेमना था, जब याजक, जब कोई भाई अपनी प्रार्थना लेकर आता था तो भेंट के लिए एक मेमना लेकर आता था और उस मेमने को परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, समझ रहे हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा है कि अपने शरीरों को परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, जैसे परमेश्वर को भावता है हमें अपने शरीर को। पहले पुराने नियम में, पहली सदी में जानवर चढ़ाए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया और खुद का बलिदान करके हमें आजाद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें जब परमेश्वर के पास जाना है तो हमें अपने शरीरों को चढ़ाना है जैसा परमेश्वर चाहता है और इच्छा से, अपनी उसकी इच्छा से, जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। बलिदान का मतलब क्या होता है, इच्छा से। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से बलिदान दिया। आज जानवरों का लोग बलिदान लेते हैं लेकिन जानवर अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। लोग आज भी हम देखते हैं कि बकरों का बलिदान देते हैं
लेकिन हमने मैंने देखा है, मैं एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर बकरों का बलिदान दिया जाता था, तो मैं देखता था कि उनको 7 दिन पहले 8 दिन पहले उनको बांध देते थे और वो बकरे रोते थे, यानी कि वो अपने आप से बलिदान नहीं दे रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने खुद का बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया ताकि हम आशीष पाए। तो वो क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि पहला पॉइंट क्या है, पहली बात क्या है कि अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पहला कुरिन्थियन 3:16-17, परमेश्वर को भावता हुआ, जैसा परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड, हमें उसको देखिए, उसने हमें जीवन दिया है, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया है, हमें उसको क्या देना है, जो उसको अच्छा लगता है। हम क्या दे रहे हैं, जो हमको अच्छा लगता है। कैन और हाबिल में क्या फर्क था, कैन का बलिदान, कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार क्यों नहीं की, क्योंकि कैन को जो खुद अच्छा लगता था वो परमेश्वर को दिया, हाबिल ने जो परमेश्वर को अच्छा लगता था वो दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों को आशीष क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि आप वो देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर वो मांगता है जो उसको अच्छा लगता है। हेलो, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को जो अच्छा लगता है हमें वो देना है, हमें जो अच्छा लगता है हमें वो नहीं देना है। इसलिए दान में भी आप गड़बड़ी करते हैं, दशांश में भी आप गड़बड़ी करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप देते हैं, उतना देते हैं, गलत है। वचन है, जो वचन कहता है हमें उसके अनुसार चलना है, क्योंकि तब वचन काम करेगा आपके जीवन में, तब परमेश्वर का बाड़ा आपके जीवन में काम करेगा, तब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। जब हम परमेश्वर के अनुसार दान देंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, पहला कुरिन्थियन 3:16-17 पढ़िए बेटा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? आमीन, आमीन। हां जी। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर, आप जानते आप कौन है? सबसे पहली तो बात यह है कि आपको परमेश्वर ने बनाया क्या है। बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। जोर से बोलिए, मैं आपसे इसलिए बुलवा रहा हूं कि आपको एहसास होना चाहिए आप कौन है। मेरा नाम अनिल है, नहीं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। आपको परमेश्वर ने नाम दिया है, आप उसके मंदिर हैं, और आपको यह एहसास होना जरूरी है कि मैं मंदिर हूं। आप सुबह उठते हैं, आप विश्वास करिए, आपको महसूस होना चाहिए कि मैं एक मंदिर हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, उस दिन आप पाप नहीं करेंगे, उस दिन पाप के बारे में आप सोचेंगे भी नहीं, अपने अंदर स्वार्थ नहीं लेकर आएंगे। क्योंकि अगला वचन क्या कहता है, 17वां पढ़िए। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इस वचन को हम बहुत गलत तरीके से समझते हैं, इस वचन को बहुत गलत तरीके से लोग प्रचार करते हैं। यदि कोई, यानी कि हम सोचते नहीं कि, हम सोचते हैं कि हम मंदिर हैं, हम तो सेफ हो गए, अब अगर हमारे मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे भैया, इसमें आप भी आते हैं, इसमें आप भी आते हैं, और आप ही आते हैं। परमेश्वर ने आपको मंदिर बना दिया, अगर आप अपने मंदिर को संभाल के नहीं रखेंगे और उसे नष्ट करेंगे और संसार को अंदर लेकर आएंगे, स्वार्थ को लेकर आएंगे, शैतानी चीजें करेंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है, नष्ट करेगा। आपने अपने मंदिर को, परमेश्वर के दे हुई चीज को आपने कीमत नहीं समझी, कैन ने कीमत नहीं समझी, परमेश्वर की दे हुई आशीष को परमेश्वर उसने समझा ही नहीं। अगर आप उसके मंदिर को नष्ट करेंगे तो वो आपको नष्ट करेगा। आपका मंदिर पवित्र है मेरे भाई, शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान की कोई ताकत नहीं है,
शैतान हारा हुआ है, आप उसको जगह देते हैं, आप उसको जगह देते हैं, आप दरवाजे खोलते हैं। इसलिए कौन नष्ट कर रहा है, इसलिए कौन नष्ट कर रहा है आपके मंदिर को? आप। बाइबल कहती है चोर चोरी करने के लिए आता है, लेकिन मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। चोर से रक्षा कौन करेगा? आप। अपने घर की रक्षा कौन करेगा? आप। अगर सही दरवाजों पे कुंडी नहीं लगाएंगे, दरवाजे पे ताला नहीं लगाएंगे, तो चोर तो आएगा। फिर क्या आप शिकायत कर सकते हैं जाकर कहीं कि चोर ने चोरी कर ली? नहीं कर सकते। और आप जानते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम चर्च में आते हैं और हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम उसके बाद गलत करते हैं। याकूब 4:17 निकालो, उसके बाद हम गलत करते हैं। हेलो, अगर हम उसके बाद गलत कर, हम जानते हैं कि क्या सही है, हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, हम जानते हैं कि मंदिर है, उस मंदिर को कैसे रखना चाहिए, हम जानते हैं कि यीशु की ज्योति हमारे अंदर रहनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? पढ़िए 4:17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है, उसके लिए ये पाप है। अब आप कहेंगे साहब मेरा उद्धार हो गया, यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को माफ कर दिया, बपतिस्मा ले लिया मैंने। लेकिन मेरे भाई, बपतिस्मा लेने के बाद जब परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली और आपको भलाई दिखाई, अपनी भलाई दिखाई कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद अगर आप नहीं करते हैं तो ये पाप करते हैं आप। इस अंतिम समय में मैं आपको जो वचन बता रहा हूं ना, बहुत कम कलीसियाओं में आपको मिलेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, जाइए आप घूम के आइए कलीसियाओं में, आपको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के कि आपका अच्छा होगा, आपका भला होगा, आपको बस स्वर्ग मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, यही बोलते रहेंगे। जाइए आप कलीसियाओं में, आपको पता चलेगा। मैं सच क्यों बताता हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं और ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच बताऊं। अगर आप अपने बेटे से बेटे को नहीं डांटते हैं, अगर आप अपने बेटे को सही राह नहीं दिखाते हैं, तो इसका मतलब आप अपने बेटे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं आप, अगर आप अपने बच्चे को सही राह नहीं दिखाते हैं। गलत कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है सही राह क्या है, और अगर आपका बेटा गलत चल रहा है और उसे आप सही नहीं बताएंगे, तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप उसे प्यार नहीं करते। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको सच बताऊं, सच बताऊं, क्योंकि यीशु आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं। लेकिन एक चीज है, सिर्फ तालियां बजाने से हम ऊपर नहीं जाएंगे, उसके वचन पर चलने से ऊपर जाएंगे। अगर आप नहीं चलेंगे मेरे भाई, परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है, उसको नहीं करना है। उसने तो अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया, उसने आपको पवित्र कर दिया, उसने आपको नया जीवन दे दिया, उसने आपको अपना पुत्र बना लिया। उसने कीमत चुका दी, अभी हमें उस पर चलना है। हमें अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने लाना है। हालेलुया। क्यों? इसी का पहला कुरिन्थियन 6:20 पढ़िए, पहला कुरिन्थियन 6:20, फर्स्ट कुरिन्थियन 6:20। क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो, माने लो, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं मोल लिया गया हूं, मैं खरीदा गया हूं, जोर से बोलिए मैं खरीदा गया हूं,
मैं खरीदा गया हूं। ये दो बातें हमेशा याद रखिए, रोज रोज याद रखिए दो बातें। नंबर वन कि आप मंदिर हैं, दूसरे कि आप खरीदे गए हैं। आप अपने नहीं हैं, आप किसी के हैं। किसी ने आपको मोल लेकर खरीद लिया है और वो है यीशु। यीशु ने आपको आपका दाम चुकाया है। आप अपने नहीं हैं। हम अपनी इच्छा से जिंदगी नहीं दी आपका जी सकते हैं। पौलुस को परमेश्वर ने जेल में रखा और पौलुस क्या कहता है फिलिपियों की पत्री में, पता आपको? सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे बार बार कहता हूं आनंदित रहो। कहां कह रहा है वो? जेल में, जेल से लिख रहा है। अरे मेरे भाई, हम मसीह हैं, हमारा आनंद ही अलग है। हेलो, हम संसार की तरह नहीं है, हम नई सृष्टि में आ गए हैं। लोग सताव में दुखी होते हैं, मसीह सताव में आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जो है वो सताव में आनंदित होता है। पढ़िए रोमन 5:3, रोमियो 5:3। हमारा तरीका ही अलग है। हम मसीह हैं, हमें अपनी शांति नहीं खोनी है। सताव है, बीमारी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर चंगाई देगा, परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। अरे उसने जब अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर मुझे बचाया तो क्या मुझे सुख नहीं देगा? क्या वो मेरा हाथ पकड़कर छोड़ देगा? इट्स अ लॉट। यही तो हमारा आनंद है और ये आनंद हमसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरा आनंद क्या है? कि यीशु मेरे लिए मरा, मर के जिंदा हुआ और मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो मेरा आनंद है। क्या वो उस आनंद को छीन सकते? नहीं छीन सकते। क्या लिखा हुआ है रोमियो 5:3? केवल यही नहीं, हम कलेशों में भी घमंड करें। कलेशों में भी घमंड करें। हम वो हैं जो हम कलेशों में घमंड करते हैं। क्यों? क्योंकि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। पेशेंस, धैर्य। आगे, क्योंकि यह जानकर कि कलेश में धीरज और धीरज से खरा निकलना। खरा। हेलो, मेरे सबसे बड़ा खजाना क्या है? कि मैं खरा रहूं, पवित्र रहूं, परमेश्वर के योग्य रहूं। यह मेरी सबसे बड़ी दौलत है। क्या कहा था यीशु आपका परमेश्वर ने शैतान से? कि अय्यूब धरती पर सबसे खरा मनुष्य है। कितनी बड़ी परमेश्वर ने गवाही दी थी, कितनी बड़ी, कि सिर्फ अय्यूब है जो धरती पर खरा है। और आपको खरा कौन कर रहा है? धीरज। आपको खरा कौन कर रहा है? कलेश। आपको यीशु से किसने मिलवाया? आपके दुख ने। हेलो, भजन संहिता 119:71 निकालिए, 71। भजन संहिता 119:71। बाइबल नहीं लाए? जो बाइबल ले, प्लीज बाइबल लेकर आइए, अपनी बाइबल देखिए और नोट्स बनाइए बेटा, बहुत जरूरी है। यहां जाके, घर जाके उसको देखिए। मास्क पहने बेटे, मास्क लगाओ। भजन संहिता 119:71। हाँ, मुझे जो दुख हुआ, हाँ, वो मेरे लिए भला ही हुआ। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला है। क्यों? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने दुख का अपने दुख को धन्यवाद कहा है? धन्यवाद कि मैं दुखी हुआ और मुझे यीशु मिला। कौन लेकर आया आपको चर्च में? कौन लेकर आया आपको कलीसिया में? आपका दुख, आपकी बीमारी, आपका संकट, आपका कलेश,
जब कलेश आया, जब दुख आया, जब गरीबी आई, जब आप विपत्ति आई, कहां पर आए आप? कलीसिया में। इसका मतलब कौन आपको लाने वाला है? आपका दुख। धन्यवाद दीजिए उस दुख को, धन्यवाद दीजिए कि मेरे दुख ने मुझे यीशु से मिलवाया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ा धन्यवाद कि मैं बीमार हुआ, प्रभु के करीब आया। मेरी नौकरी गई, मैं प्रभु के और करीब आ गया। मेरा धंधा चौपट हो गया, मैं प्रभु के और करीब आ गया। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर मेरा संकट मुझे प्रभु के करीब लेकर आता है तो धन्यवाद, ऐसा संकट रोज आए, मैं प्रभु के और करीब जाऊं। मुझे दुखों से नहीं घबराना है क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या कहता हुआ पहला पॉइंट क्या है कि अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हमें अपने आप को परमेश्वर जो चाहता है वैसा करना है, जो हम चाहते हैं हमें वैसे नहीं देना है, जो परमेश्वर चाहता है कि हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए भावता, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बलिदान चढ़ाना है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे अंदर कोई स्वार्थ ना रहे, हमारे अंदर कोई लालच ना रहे, हमारे अंदर उसकी पवित्रता रहे, यही चाहता है परमेश्वर। और क्या चाहता है परमेश्वर? दूसरा पॉइंट, शरीर को पवित्र बनाओ, अपने शरीर को पवित्र बनाओ। हम अपने मन को तो पवित्र बनाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 7:1, हम अपने मन को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्या अपने शरीरों को पवित्र बनाते हैं? क्या आप अपने शरीर के द्वारा ऐसे काम करते हैं जिसमें पवित्रता हो? कहीं आपके शरीर के द्वारा कोई ऐसे काम तो नहीं होते जो आपको अपवित्र करते हैं? याद रखिए, दूसरा कुरिन्थियों 7:1 पढ़िए बेटा। अथ हे प्रियो, हो हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। तो आओ, कौन सी प्रतिज्ञा है? यीशु हमें लेकर जाएगा, यीशु मसीह ने हमें पुत्र बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप यीशु मसीह में आते हैं आपको चार चीजें मिलती हैं, मैंने आपको बताया था, आपको चार चीजें मिलती हैं। पहली चीज क्या है? हमें परमेश्वर पापों शापों से मुक्त करता है। दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है। तीसरी चीज क्या है? वो हमें नई सृष्टि में रचता है। चौथी चीज क्या है? वो हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम उससे चुन लिए जाते हैं, तो हमें चार चीजें मिलती हैं, और इन चार चीजों को मेरे भाई मेरी बहन हमें सदा अपने संग रखना है। यही हमारा खजाना है, यही हमारी वसीयत है। प्रेज द लॉर्ड। आपका करेक्टर आपका खजाना है। अगर आप चंद पैसों में बिक जाते हैं आप इंसान नहीं है। अगर आप चंद पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, चंद सुख के लिए, रोटी के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं, तो आपने यीशु मसीह को व्यर्थ क्रूस पर चढ़ा रखा है। नहीं, उस यीशु ने जो स्वर्ग का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पुत्र बनकर मनुष्य का रूप धारण कर दुख उठाकर, उसे क्यों दुख उठाया आपको पता? कभी आपने सोचा यीशु मसीह ने इतना दुख क्यों उठाया? बाइबल में कई बार लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाएगा और फिर प्राचीनों के द्वारा पकड़ा जाएगा, अन्य जातियों के द्वारा मारा कूटा जाएगा और 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा। सबने पढ़ा होगा, लिखा हुआ ना, बहुत दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? थोड़े दुख उठाने में भी चलेगा ना। उसने बहुत दुख इसलिए उठाया ताकि हम जान सकें कि उसने हमसे बहुत प्यार किया।
प्रेज द लॉर्ड। उसने दुख क्यों उठाया? ताकि हम उसके प्रेम को जान सकें। आज एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है ना, और अपने बच्चे को जब जन्म देने के बाद पालती है, बच्चा क्यों मां से ज्यादा प्यार करता है? आई एम सॉरी, बाप से इतना नहीं करता जितना मां से प्यार करता है, क्योंकि उसने देखा है कि मां अपनी नींद बच्चे को देती है। मां अपने भूख दे देती है, वो देखता है कि मां ने खुद नहीं खाया, मुझे खिलाया, खुद पत्थर तोड़े और मुझे उसने दूध पिलाया। वो देखा है, वो कहीं ना कहीं याद रहता है। इसलिए आदमी अपनी मां को नहीं भूलता है, क्योंकि मां ने अपने बच्चे के लिए दुख उठाया। मुझे याद है 5.5 साल के बाद मेरा बेटा हुआ, और ये आपको भी, आपके संग भी होता होगा। जब भी हम लोग खाने के लिए बैठते थे, जब भी खाने के लिए बैठे, वाइफ ने खाना लिया लक्ष्मी ने, और उसने पॉटी कर दी, बेटे ने पॉटी कर दी, उल्टी कर दी। मैंने कभी नहीं देखा कि एक पल भी कि यार अभी मैं खाना नहीं, उठी उसी समय हाथ धोया, उसी समय उसका पॉटी साफ करी, उसी समय किया, फिर खाने बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। मां को एक बच्चा क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मां मेरे लिए दुख उठाती है, मेरे लिए जागती है, अपने जिस्म का हिस्सा देती है मुझे। आज एक मां जब कोख से जन्म देती है तो अपना अंश देती है, एक बेटे और एक बेटी के रूप में। वही यीशु ने हमें दिया, इसलिए उसने बहुत दुख उठाया ताकि हम उससे बहुत प्यार कर सकें, थोड़ा नहीं। और अगर आप उससे थोड़ा प्यार करते हैं, अगर आप उसके प्यार को बांटते हैं, अगर आप यीशु के प्यार में संसार को लेकर आते हैं, तो आपने उसको जाना नहीं है मेरे भाई। उसका प्यार नहीं बढ़ सकता, यीशु का प्यार नहीं बढ़ सकता। आप यीशु के प्यार को किसी से नहीं बांट सकते, ना मां से, ना बाप से, ना संसार से, ना अपने धंधे से। अगर आप अपने धंधे से, अपने मां से, बाप से यीशु के प्यार को बांटते हैं, तो आपने यीशु को चाहना ही नहीं है, आपने यीशु को स्वीकार ही नहीं किया है। नहीं, नहीं किया है, इसीलिए आप बांट रहे हैं। आपको एहसास नहीं है कि यीशु मसीह ने क्या किया आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात क्या है? कि अपने आप को पवित्र बनाओ जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। हर काम परमेश्वर के भय के अनुसार करो। जो भी काम करो, चाहे धंधे में करो, चाहे कहीं भी करो, चाहे घर में करो, जांचो कि मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने इसको प्रैक्टिस नहीं बनाया तो शैतान आपको लेके जाएगा दूर। कोई भी काम करने से पहले अपने आप को जांचो, और परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, कोई नहीं देख रहा है, मेरा पिता देख रहा है। मैं अगर गलत कर रहा हूं, मेरा पिता देख रहा है, किसी ने नहीं जाना, मेरे पिता ने जाना है। बस मुझे उसको खुश करना है, मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है, मुझे उसको खुश करना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट, स्वयं को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। स्वयं को परमेश्वर के योग्य बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप हर चीज खा लेते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। क्या आप हर चीज पे हाथ रख देते हैं क्या? नहीं, जो ग्रहण योग्य होगी, जिसके खाने से मेरे अंदर मुझे स्वाद मिलेगा। जो हर चीज तो नहीं खा सकते ना, तो आप सोचिए, वो पिता है, वो पवित्र है, वो महापवित्र है। हम उसको, उसके सामने
अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करें कि वो हमें ग्रहण कर सके। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों 2:20, जैसा पौलुस ने किया था, जैसा पौलुस ने कहा था, गलेशियन 2:20 निकालिए जल्दी से। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। कितने विश्वास करते हैं, कितने विश्वास करते हैं कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? अगर आपने हाथ उठाया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो आप जान लीजिए आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप अपने लिए नहीं जी सकते, आप प्रभु के साथ चढ़ाए जा चुके हैं, आप खुद अंगीकार कर रहे हैं। पौलुस ने अपने आप अंगीकार किया कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। आगे, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को समझने की कोशिश करिए मेरे भाई। पौलुस क्या कहता है कि मैं जीवित नहीं हूं, मैं पौलुस नहीं हूं। आगे बढ़िए। पर मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। आमेन। हमें परमेश्वर को खुद को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर को अपने अंदर लाना पड़ेगा, यीशु को अपने अंदर लाना पड़ेगा। मुझ में मैं नहीं हूं, मुझ में यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, जिस दिन हम आप अपनी जिंदगी को जिएंगे कि मुझ में यीशु है, मैं मसीह में जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे अंदर अगर सब कुछ है तो यीशु का है, मेरे अंदर मेरा प्रेम है तो यीशु का है, वो त्याग है, वो समर्पण है तो यीशु का है, मुझ में यीशु दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तभी आप अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र कर सकते हैं, तभी आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, और तभी आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को लगा सकते हैं, जो कि यीशु मसीह ने किया और जो कि पौलुस ने बताया कि मैं मसीह में जिंदा नहीं हूं। यस मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने आप को जीवित महसूस नहीं करना है, हमें महसूस करना है कि मुझ में मेरा यीशु जिंदा है। जब आप यीशु को अपने अंदर जीवित रखेंगे ना, तब परमेश्वर के लिए आप ग्रहण योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप यीशु को अपने अंदर ग्रहण जीवित रखेंगे तो आप परमेश्वर के योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। 4th पॉइंट, उचित सेवा करो। हमारा काम क्या है? सेवा करना। हम यहां सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, सेवा करने आया हूं। इसलिए उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, इसलिए यीशु मसीह ने उसका भी पैर धोया, यहूदा इस्करियोती का, जो उसे धोखा देने वाला था। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करो, तुम्हें भी करना है, सेवा करनी है, सेवा। दूसरा तिमोथियस 4:2-5, सेवा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचते हैं मसीह बनकर के हम क्या करें, हमारा क्या काम है? सुनिए, आपको सेवा करनी है, सेवा करवानी नहीं है। तिमोथियस को पौलुस समझा रहा है कि तुझे क्या करना है। आज तिमोथियस के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से जीवन को जीना है। पढ़िए बेटा, कि तू वचन का प्रचार कर, फिर तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, समय और असमय तैयार रहे। हमें सेवा के लिए समय नहीं देखना है। आज हम दोपहर में सो रहे हैं, कोई हमारे दरवाजे पे खटखटाता है, फोन आता है प्रार्थना के लिए, हम नहीं उठा रहे हैं, सो रहे हैं भैया। नहीं, हमारा जीवन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास रात को 2-2 बजे फोन आते हैं, 2:30 बजे फोन आते हैं, दोपहर में फोन आते हैं, कभी भी आते हैं, और कहां कहां से आते हैं। मेरी कलीसिया के तो बहुत कम आते हैं, जो मेरा यूट्यूब पे देखते हैं
कितने ही फोन आते हैं, हजारों फोन आते हैं, बाहर गांव से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, यूएसए से, रोज, एक दिन नहीं है, रोज आते हैं। और मैं समर्पित मन से उनकी सेवा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मुझे फोन करते हैं? मैं कौन हूं? मुझे पता भी नहीं कि कहां से उनको नंबर मिलता है, कहां से उनको कोई बताता है और वो मुझे फोन करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पिता जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे अपनी धार्मिकता दी है, वो उनके मन में डालता है। अगर मेरा पिता आज्ञा देता है तो मुझे उसकी आज्ञा पे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई आपके पास आता है सेवा के लिए तो आपको सेवा करनी है। तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ हमें सचेत भी रहना है। आगे बढ़ो बेटा। सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा, और शिक्षा के साथ उलहाना दे, उलहाना दे, डांट और समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। तिमोथियस को बोला है कि तू वचन को समझा, उसके लिए तुझे डांटना भी पड़े, उलहाना भी देना पड़े, तो समझा। जिस तरीके से हम अपने बच्चे को समझाते हैं कि क्या बुरा है क्या सही है, उसी तरीके से हमें आपको भी समझाना है क्या गलत है क्या सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही शिक्षा देनी चाहिए। अगर आप सही शिक्षा नहीं पाएंगे, मेरे भाई अंतिम समय है, कलीसिया शिक्षा के लिए है। कलीसिया यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आप उचित सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने जब बपतिस्मा लिया, आप बपतिस्मा पता क्यों लेते हैं? कि संसार के जो चीजें हैं वो मुझे मिल जाएं। आप प्रभु में क्यों आ रहे हैं? कि संसार की चीजें मुझे मिल जाए, मेरा धंधा अच्छा हो जाए, मेरी नौकरी अच्छी हो जाए। आपका ध्येय गलत है, आपका सोचना गलत है। परमेश्वर हमें संसार से निकालता है। हेलो। परमेश्वर हमें संसार से निकालता है और हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हम संसार में जाएं। ये उसकी इच्छा नहीं है। हां, आपको रोटी चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर देगा। मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं आज कितने सालों से, मेरा कोई धंधा है क्या? मैं चर्च से कोई पगार नहीं लेता हूं, कोई नहीं लेता हूं। दान दशांश के लिए कोई देने के लिए आता है, मैं अपना अकाउंट नहीं देता हूं, मैं चर्च का अकाउंट देता हूं, ट्रस्ट का अकाउंट देता हूं, अपना नहीं देता हूं मैं कि मेरे अकाउंट में डाल दीजिए आप। नो, नहीं चाहिए मुझे। जो मुझे ब्लेसिंग्स बाहर से मिलती है उसका दशांश मैं चर्च में देता हूं उसी समय। अगर मुझे कहीं बाहर से मिलती है, मुझे बहुत आशीष मिलती है, कैसे मेरा घर चलता है क्या? मुझे आशीष मिलती है, लेकिन उसी समय अगर मान लीजिए कहीं से आशीष 2000 रुपए आई, उसी समय 200 रुपए मैं चर्च में डाल देता हूं। वो मेरा पैसा ही नहीं है, मेरा पैसा 1800 रुपए है, उसमें भी अगर मैं किसी की सहायता कर सकूं तो करूंगा। ये नियम है, हमें उसके संग चलना है। चाहे मेरे पास लाखों रुपए आए, जो दशमांश है वो प्रभु का ही है। मैं अगर उसको गलत निगाह से देखता भी हूं, अगर मुझे उसके लिए गलत भाव भी आता है, तो भी पाप है, तो भी पाप है, वो मेरी चीज ही नहीं है। अगर हम इस चीज में विश्वास योग्य नहीं रहे तो हम परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आप कितना भी एड़ी चोड़ी का जोर लगा लीजिए, और शैतान यही बात डालता है आपके मन में, गलत है। लोग दशांश भी अपने खर्चे निकाल कर देते हैं, गलत है। यानी कि 20,000 अगर कमाते हैं आप, तो 20,000 में आपके खर्चे मान लो 10,000 हुए, फिर आप 10,000 में से दशांश देते हैं, गलत है।
अगर आपको 20,000 मिले हैं, आपको 20,000 का दशांश देना है, 18,000 जो बचेंगे उसमें अपने खर्चे करिए आप, तब आपको बरकत है। मैं आपसे एक सच बात बोल रहा हूं, यहां पर जो तिमोथियस ने लिखा है कि सच्चाई दे, सच बता, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसने संपूर्णता के साथ आपको दिया है, और मैं आपको बताऊं, अभी भी वो जो दे रहा है ना, वही दे रहा है। अभी भी जो आपको आशीष दे रहा है ना, अभी भी जो आपके खर्चे दे रहा है ना, अभी भी जो आपको नौकरियां लगी है ना, उसी की वजह से लगी हुई है। आप ये सोचे कि मेरी बुद्धि से मैं काम कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, नहीं, कुछ नहीं है। मैंने सच कह रहा हूं, बड़े से बड़े मैंने देखे हैं सूरमा, मैंने बहुत देखे हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी झटके में नीचे आ जाते। आप नहीं जानते, धन्यवाद बोलिए कि प्रभु हर एक दिन हमें संभाल रहा है, हर एक दिन उसकी आंख ना हटे। अय्यूब के बारे में सुना आपने? अय्यूब एक घंटे में बर्बाद हो गया था, एक घंटे में उसके सातों पुत्र पुत्रियां मर गए, पूरा जानवर मर गए, तबाह हो गया एक घंटे में। एक घंटे में, अय्यूब की किताब पढ़िएगा, पहला और दूसरा चैप्टर, एक घंटे में इतना सब कुछ था उसके पास, एक घंटे में। मत करिए घमंड कि मेरे पास कुछ है, मत करिए घमंड कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि से कमा रहा हूं, नहीं, ये उसकी कृपा है जो हमें बुद्धि दे रहा है और हम काम कर पा रहे हैं। आज बोलने वाला वो है मेरे अंदर, मैं नहीं हूं। कल रात तक मैं परेशान था, अपनी वाइफ को बोला था मैं कल क्या बोलूंगा, मुझे पता नहीं है, घुटने पे था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा दे जैसे मैं भाई बहनों को बता सकूं। क्यों बोल रहा है तिमोथियस को पौलुस कि सहनशीलता शिक्षा के साथ उदाहरण दे, डांट और समझा, क्यों? अगला, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, जब लोग खरा उपदेश नहीं सहन सकेंगे। ऐसा उपदेश आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा वक्त आने वाला है, आ गया है, ये चल रहा है कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। क्यों? बोलो बेटा। पर कानों की खुजली के कारण, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। अपनी कानों की खुजली को पूरा करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो उपदेश बटोर लेंगे। आपको पता है जब कानों की खुजली होती है बहुत बुरी होती है, और जब कानों की खुजली होती है ना तो इंसान सोचता नहीं कि मैं कानों की खुजली कैसे मिटाऊं। अब ये पेन है, इसमें नोक है, ये आपके पर्दे को खराब कर लेगी, लेकिन ज्यादा कानों की खुजली होगी ना, आप यही इसी को लगा देंगे। लगाते कि नहीं लगाते? कोई पिन ले लेंगे आप, नहीं तो गाड़ी की चाबी ले लेंगे। गाड़ी की चाबी ली आपने, गाड़ी की चाबी से ही आप कर रहे हैं कानों की खुजली ठीक करने के लिए। आप सोचते नहीं है कि अरे यार ये लग गया तो जख्म हो जाएगा, और होता है जख्म, ऐसी होती है कानों की खुजली। तो मसीह में क्या लिखा है कि अपने कानों की खुजली पूरी करने के लिए आप सच्चा खराई के उपदेश नहीं सुनेंगे, आप अपने लिए उपदेश, अपने लिए ऐसे ऐसे वचन सुनेंगे कि नहीं नहीं यार मेरा अच्छा हो जाए। आप चर्च में आते इसके लिए कि मेरा अच्छा हो जाए। अरे आपका अच्छा हो चुका है। हेलो, आप जानते नहीं कि आप कौन हैं। आप चर्च में आ रहे हैं कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरी नौकरी अच्छी रह जाए। अरे आप उस जीवन को ही देखना नहीं चाहते जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपका अच्छा हो चुका है। अब चर्च में आपको किस लिए आना है? ताकि जो आपको मिल चुका है वो बना रहे आपके अंदर। हेलो, जो कीमती चीज आपको मिल गई है वो आप उस कीमती चीज को आप समझ ही नहीं रहे। इसीलिए इंसान बपतिस्मा क्यों लेता है? कि हमें भौतिक चीजें मिल जाएं। कई लोग पूछते हैं बपतिस्मा लेने से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा,
क्या ठीक हो जाएगा? मतलब मेरे बने काम बिगड़े काम बनने लगेंगे? अरे भैया, बपतिस्मा आपको पवित्रता के साथ, आपको पापों पाशापों से मुक्त करने के लिए। हेलो, तो कानों की खुजलाहट को दूर करने के लिए अंतिम समय में लोग खरा वचन नहीं सुनना चाहेंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूं, मैं अगले संडे से खरा वचन दूं या आपके कानों की खुजलाहट के लिए कोई आपको पसंदीदा वचन दूं? बताइए बताइए बताइए, यहां से कोई आवाज नहीं आ रही है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत जरूरी है, यहां पर हम परमेश्वर की डांट सुन लें, धन्यवाद। एक बार आप चले गए फिर नहीं बोलने को मजबूर कोई नहीं होगा। वो जो था ना भिखारी, लाजर कोड़ी और भिखारी, वो जो था धनी आदमी, धनी आदमी क्या कर रहा था पता है? कहानी पता है लाजर कोड़ी और धनी आदमी की? लाजर कोड़ी धरती पर भीख मांग रहा था और जो धनी आदमी वो आपका नरक में जाकर भीख मांग रहा था। दोनों भिखारी थे। वो नरक में जाकर कहता है कि प्लीज इब्राहिम उसको बोलना मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। लेकिन लाजर जो धरती पर भीख मांग रहा था, दीनता और नम्रता के संग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, वो आपका स्वर्ग लोक पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये जान लीजिए, धरती पर आप दीनता के संग नम्रता के संग ताड़ना सहन कर लीजिए, क्योंकि नरक में आपको भीख नहीं मिलेगी, धरती पर फिर भी मिल जाएगी। धरती पे परमेश्वर फिर भी सुन लेगा कि चलो यार इसकी सहायता करो, नरक में नहीं करेगा। धनी व्यक्ति ने मांगा कि मुझे एक बूंद पानी मेरे जीभ पर आ जाए, उसने कहा नहीं नहीं मिलेगा। धनी था, बहुत पैसा था, किसी को कुछ नहीं समझता था वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उचित सेवा करो। अगला क्या है? और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हाँ, कथा कहानियों पर लगाएंगे। अंतिम समय में कथा कहानियों पर आप जाएंगे। आगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे। हाँ, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। सावधान रहना है हमें और दुख उठाना है। वो क्या कहता है तिमोथियुस को? पौलुस कहता है दुख उठा, दुख उठा। किन बातों में? जो संसारिक चीजें हमें नहीं मिल रही हैं। जब हम संसारिक चीजें जो हमें नहीं मिल रही हैं उसमें दुख उठाएंगे, तो हमारा सुख जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के लिए है, वो अनंत काल तक बना रहेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। हम समझते हैं यहां पर दुख उठाना हमारा जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है, आप उसको दुख समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मरे नहीं है, हम मर चुके हैं। बपतिस्मा क्या है? हम यीशु मसीह के लिए मरे हैं और उसके बाद जिए। कुलुसियों 3:2 क्या कहता है? कि हम मर चुके हैं, हम मरे हुए हैं। मरे आदमी को, जो एक मरा हुआ इंसान होता है, उसको ना डर की चिंता होती है ना ही किसी कलेश की चिंता होती, क्योंकि तो मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है कि खरी शिक्षा जो वचन है उसको समझ दो आप। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप परमेश्वर की ग्रहण योग्य इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट जो है कि संसार के सदृश ना बनो। रोमियो 12:2, जिस संसार से परमेश्वर आपको लेकर आया है उस संसार की तरह मत बनिए। आप अपने अंदर से संसार को निकालिए। हेलो, अपने अंदर से संसार को निकालिए। बोलिए बेटा, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। कितना विश्वास करते हैं कि आपका मन नया हो गया है? बोलिए, मेरा मन नया हो गया है। जोर से बोलिए, मेरा मन नया हो गया है। तो क्या कहता है वो? परंतु तुम्हारी बुद्धि या मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब आपका मन तो परमेश्वर ने नया कर दिया,
लेकिन आपका चाल चलन अगर पुराना है तो आपका नया मन काम करेगा? प्रेज द लॉर्ड। आपको नई साड़ी दे दी है, आपको पवित्र कपड़े दे दिए हैं परमेश्वर ने, सफेद कपड़े दे दिए हैं, लेकिन चल आप कीचड़ में रहे। हेलो, वो क्या कह रहा है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव करते रहो। हमारा मन नया हो गया है, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारा मन नया कर दिया है परमेश्वर ने, हमें उसके अनुसार चलना है, हमें संसार के अनुसार नहीं चलना है। संसार खींचेगा आपको, बिल्कुल खींचेगा आपको संसार, आपके अंदर डर लेकर आएगा, आपके अंदर बेचैनी लेकर आएगा, संसार करेगा, लेकिन आपका मन नया हो गया। अब आपका वो मन नहीं रह गया जहां पाप खींचता था, अब आपके मन में पवित्रता है, अब आपका मन शुद्ध हो चुका है, अब आपको अच्छा बोलना है। आपका खराब होता है कोई बात नहीं, आपको अच्छा बोलना है, आपको सच बोलना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। इसलिए वो कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, तभी आप परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। छठा पॉइंट, तुम्हारा मन संसार से रूपांतरित हो जाए। छठा पॉइंट क्या कह रहा है कि तुम्हारा मन संसार से रूपांतरित हो जाए, पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाइए आप। छठा पॉइंट लिखिए, छठा पॉइंट, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो चाल चलन है, वो संसार से रूपांतरित हो जाए। गलेशियन 6:14, और कब हो सकता है? देखिए वचन, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। आमेन, आमेन। ये पौलुस कह रहा है, ये पौलुस कह रहा है कि मैं किस पर घमंड करूं? आप पूरी तरीके से रूपांतरित कब होंगे? आप पूरी तरीके से रूपांतरित कब होंगे? एक मसीह रूपांतरित कब होगा? जब आप क्रूस को पहचानेंगे, जब आप क्रूस के सामर्थ को पहचानेंगे, जब आप जानेंगे कि आपको क्रूस से मिला क्या है। जब तक आप क्रूस के सत्यता को नहीं जान पाएंगे, बाइबल कहती है कि क्रूस की कथा मर जो नाशवानों के लिए मूर्खता है, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। जो नहीं जानते यीशु मसीह को, वो कहते हैं, अरे यीशु मसीह को क्या है, नंगा क्रूस पर लटका हुआ है, जो अपने आप को नहीं बचा सका वो आपको क्या बचाएगा, क्योंकि वो जानते नहीं उसकी कथा को, जानते नहीं, परमेश्वर ने उनकी बुद्धि नहीं खोली। इसलिए जिस दिन आप क्रूस को जानेंगे, पौलुस कहता है कि मैं घमंड करता हूं क्रूस पर। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बेटा, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आप क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं, तभी आप यहां बैठे हुए हैं, तभी आप यहां बैठे हैं। आपके भाई बंधु क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए, तभी वो घूम रहे हैं। आमेन। मैं अपने मन को पूरी तरीके से रूपांतरित कब कर सकता हूं? जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, जब मैं जानू क्रूस की शक्ति को, जब मैं जानू क्रूस की सत्यता को, तभी मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा कर सकता हूं। क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें अपनी धार्मिकता दी, यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें उद्धार दिया, जीवन दिया, उस परमेश्वर से हमें मिलवाया क्रूस के द्वारा,
हमें बताया कि हम कौन है। क्रूस के द्वारा हमने परमेश्वर की भलाई को जाना, क्रूस के द्वारा हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना, क्रूस के द्वारा हमने जाना कि हम स्वर्गीय उत्तराधिकारी हैं, क्रूस के द्वारा जाना कि हम इस संसार में नई सृष्टि में जी सकते हैं और रह सकते हैं। इस संसार में रहते हुए हमें नया जन्म यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, और कोई नाम नहीं है इस धरती पर, और कोई नाम इस धरती पर नहीं है। ये क्रूस बताता है हमें, जब आप क्रूस पर विश्वास करते हैं, जब क्रूस के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, जब क्रूस के सामर्थ्य को आप समझते हैं, तभी आप उन पापों को समझ पाएंगे जो आपने किए हैं या जो आप करने वाले हैं, जो आपसे हो रहे हैं, जो आपके रोजमर्रा उस पाप से आप निकलते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। दूसरा, शरीर को पवित्र करो। तीसरा, स्वयं को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ। चौथा, उचित सेवा करो। पांचवा, संसार के सदृश ना बनो। और छठा, तुम्हारा मन संसार से रूपांतरित हो जाए। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये 6 बातें हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करता है। अगर आप ये बातें आपके जीवन में नहीं होती है मेरे भाई, चाहे कितने धनी हो, चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, आप परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। आप परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनना है, क्योंकि हम चुने हुए हैं। इस की कीमत को समझिए आप। हमें ग्रहण करने वाला परमेश्वर स्वर्ग से धरती पर आया है। अगर हम अब ग्रहण नहीं होंगे, अगर हम अपने आप को उसके योग्य नहीं बनाएंगे मेरे भाई, ये एक चाल है, चलन है, जिसको आपको रोज चलाना है। गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन गलतियों का मतलब ये नहीं कि आप उन गलतियों को रोज करें। प्रेज द लॉर्ड। समझदार इंसान वही है जो गलतियों से सीखता है। प्रेज द लॉर्ड। एक गड्ढा है, उसमें आप गिरे हैं, और जब आप निकाल लिया गया आपको उस गड्ढे में से, क्या फिर गिरेंगे क्या? कि नहीं, फिर कोई आ जाएगा निकालने के लिए? करेंगे आप ऐसा? एक बार परमेश्वर ने आपको गड्ढे में से निकाल लिया, अब आपको उस गड्ढे में नहीं गिरना है। अपनी आंखें खोलिए। हम अभी भी परमेश्वर के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सोचते हैं, हम अपने शारीरिक भौतिक चीजों को देखते हैं। नहीं, कुछ भी हो, ये दिन परमेश्वर का है। हमें परमेश्वर के वचन की महत्वता को समझना है। हमें परमेश्वर को वो देना है जो परमेश्वर चाहता है। हम परमेश्वर को वो दे रहे हैं जो हम चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए समझिए और जांचिए अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। कितनों ने आज का वचन ग्रहण किया? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है।